बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और जानेंगे स्वास्थ्य क्या है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का योगदान, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भारत की स्थिति क्या है और सरकार स्थिति में सुधार के लिए क्या कर रही है। बच्चों हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोग चाहते हैं कि सरकार जन कल्याण के लिए कार्य करे और मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, रोजगार, सड़क निर्माण, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य केवल बीमारियों और चोट से बचाव ही नहीं है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जैसे कि इस कोलाज में दिखाया गया है। स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ पानी, प्रदूषण रहित साफ वातावरण के साथ साथ ही अच्छे भोजन की भी आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना। अगर हम तनाव में हैं और खुश नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। बच्चों आइए अब देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। इसके लिए हम इस तालिका की मदद ले सकते हैं और जान सकते हैं कि भारत में चिकित्सा सुविधाओं के पक्ष में कौन से तथ्य हैं और कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। पक्ष में देखो तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा चिकित्सा विद्यालय हैं और हर साल 30,000 व्यक्ति डॉक्टर की योग्यता प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में सिर्फ 2,717 अस्पताल थे जो 1991 में 11,174 और 2017 में 23,583 अस्पताल स्थापित हो गए। इसके अलावा दवाइयाँ बनाने में भी भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और भारत दवाओं का निर्यात भी करता है। परंतु आज भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि ज़्यादातर डॉक्टर नगरों में हैं और ग्रामीण जनता को उन तक पहुँचने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही आज भी टीबी की बीमारी से हर साल लगभग 5,00,000 लोग मारे जाते हैं और अभी भी एक बड़ी संख्या में जनता मलेरिया का शिकार हो जाती है। बहुत से बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता और वो कुपोषित हैं। इस सभी पहलुओं पर भारत की सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें और भारतीय स्वस्थ हो सकें। बच्चों आपके अनुसार स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? बच्चों बीमारियों से बचाव तभी हो पाएगा जब हमारे पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे अच्छे अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा और ब्लड बैंक आदि हों। साथ ही चिकित्सा सेवकों और नर्सों की भी ज़रूरत है और ऐसे डॉक्टर्स जो सही से रोगों की पहचान करके इलाज कर सकें। सही दवाओं और उपकरणों की भी आवश्यकता है। बच्चों हमने अभी पढ़ा कि भारत में एक बड़ी संख्या में डॉक्टर, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमने यह भी देखा कि आज भी हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। हमारे पास ज्ञान है, पैसा है, डॉक्टर हैं, पर फिर भी स्वास्थ्य सुविधाएं अपूर्ण हैं। बच्चों चलो अब हम इसके कारणों को समझते हैं। बच्चों अब हम हाकिम शेख की कहानी द्वारा भारत में चिकित्सा प्रणाली को जानते हैं। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PPKMS के सदस्य थे। ये पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई। उनको एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया पर वहां बिस्तर खाली ना होने के कारण इलाज नहीं हुआ। एक अन्य अस्पताल में उनके इलाज के लिए डॉक्टर और उपकरण नहीं थे। आज सरकारी अस्पतालों में उनकी भर्ती नहीं की जा सकी।
आखिर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज हुआ और हाकिम शेख का काफ़ी पैसा खर्च हो गया। इसके कारण से उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। चलो बच्चों, अब एक चित्र आधारित कहानी को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है एक इलाज का खर्च। ये कहानी है अमन और रंजन की। रंजन के परिवार के पास काफ़ी दौलत है पर अमन एक साधारण परिवार का है। एक बार दोनों को एक साथ वायरल हो जाता है और दोनों अपनी अपनी बीमारी के दौरान अस्पताल में हुए अपने अनुभव की बात करते हैं। रंजन ने बताया कि उसका इलाज एक निजी अस्पताल में हुआ था जो एक अच्छे होटल की तरह था। वहाँ संगीत बज रहा था। डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट करवाए। ब्लड टेस्ट के समय नर्स उसके साथ बात करती रही जिससे उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ, और बाद में डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और आराम करने को बोला। पर इस सब में दवा और डॉक्टर की फीस आदि के लिए काफ़ी पैसे खर्च हो गए। वहीं अमन ने बताया कि उसको इलाज के लिए उसके घर वाले एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले गए। उसको भी ब्लड टेस्ट के लिए बोला गया। वहाँ टेस्ट वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। बुखार में उसको 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा और उसको 3 दिन बाद रिपोर्ट मिली। फिर उसका इलाज हुआ, परंतु उसके पिता के ज़्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं हुए थे। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं 2 तरह की हैं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सरकार द्वारा खोले गए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। यह अस्पतालों की एक पूरी श्रृंखला होती है जो गांवों से शहरों तक होती है और आपस में जुड़ी हुई होती है। यहाँ साधारण से लेकर विशेष देखभाल की सभी बीमारियों का इलाज होता है। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक होता है जो सामान्य बीमारियों का इलाज प्राथमिक सेवा केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में करते हैं। इन प्राथमिक सेवा केंद्रों के साथ ही उनके ऊपर एक जिला अस्पताल होता है। शहरी क्षेत्रों में बहुत से सरकारी अस्पताल होते हैं। ऐसे ही अस्पताल में अमन का इलाज हुआ था और एक विशिष्ट अस्पताल में हाकिम शेख को ले जाया गया था। बच्चों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है, और अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार बहुत से स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खोलती है और खोल रही है। अब सवाल ये है कि इन अस्पतालों को चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? बच्चों, ये धन कर के रूप में जनता देती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में इलाज मुफ्त या बहुत कम पैसे में हो जाता है। इससे गरीब लोगों को इलाज मिल जाता है। साथ ही ये स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सी बीमारियां, मलेरिया, टीबी, चिकनगुनिया, हैजा आदि की रोकथाम के लिए भी कार्यरत हैं। ये कार्य लोगों की मदद से होता है। लोग अपने आसपास सफाई रखकर और कूलर और छत आदि में पानी एकत्रित ना होने देकर मदद करते हैं। बच्चों, बताओ हमें कर क्यों देना चाहिए? हमें कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे दिए कर के पैसे का उपयोग सरकार हमें बहुत सी सुविधाएं देने के लिए करती है, जैसे शिक्षा, सड़क निर्माण, रोजगार और स्वास्थ्य आदि। साथ ही इस पैसे का उपयोग सरकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि में लोगों को राहत पहुंचाने में भी करती है ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा देश के विकास, अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों आदि कार्यक्रमों के लिए भी सरकार इस पैसे का उपयोग करती है। बच्चों, अब हम समझेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं। हमारे देश में बहुत सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बहुत से डॉक्टर को के अपने दवा खाने हैं। गांवों में RMP यानी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी होते हैं। शहरों में बहुत से विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो अपने निजी अस्पताल चलाते हैं। बहुत सी अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि भी मिलती हैं। साथ ही जगह जगह पर दवा की दुकानें मिल जाती हैं। इन सभी निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये निजी तौर पर चलाई जाती हैं।
बहुत सी बड़ी कंपनियां भी इस कार्य को कर रही हैं, पर हमें इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। बच्चों, क्या हमारे देश में सबके लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? नहीं, आज जबकि बहुत से अस्पताल हैं, दवा की दुकानें हैं, परंतु ये सार्वजनिक नहीं है। बहुत से लोगों को सिर्फ निजी सेवाएं ही मिलती हैं। साथ ही दवाएं बहुत महंगी हैं और सब लोग इनको नहीं खरीद पाते। लोगों को इलाज के लिए ऋण लेना पड़ता है। सिर्फ 20% लोग ही इन सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। साथ ही महिलाओं को समय से इलाज नहीं मिलता। जो लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनमें से 40% को उधार लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। आदिवासी क्षेत्र आज भी इन सुविधाओं से वंचित है। तो बच्चों, इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे देश में आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं सब तक नहीं पहुंच पाई हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को और जो सुविधाहीन हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें और इस दिशा में उचित कदम भी उठाएं। क्या यह हो सकता है? आओ केरल का उदाहरण देखें। 1996 में राज्य सरकार ने बजट का 40% हिस्सा ग्राम पंचायतों को दे दिया। इसके कारण से साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किए गए, आंगनबाड़ियों के कामों को सूचित किया गया और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ध्यान दिया गया। कुछ समस्याएं आज भी हैं, जैसे कि दवाओं और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, उनको दूर किया जाना चाहिए। बच्चों, अब कोस्टारिका का उदाहरण देखें। कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। कुछ समय पहले वहाँ की सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय से ये संभव हो पाया। सरकार ने सेना ना रखने का फैसला करते हुए जो पैसा सेना पर खर्च होता वो लोगों को आधारभूत सुविधाएं देने पर खर्च करना आरंभ कर दिया, क्योंकि सरकार का मानना था कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और साफ पानी, स्वच्छता और आवास उपलब्ध कराया। स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानकर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान को शिक्षा का अंग बनाया गया। बच्चों, हमारे संविधान के अनुसार पोषाहार स्तर और जीवन स्तर के साथ साथ राज्य सरकार को लोगों के स्वास्थ्य सुधार का भी कार्य करना चाहिए। ये सभी कार्य राज्य सरकार को करने आवश्यक हैं। बच्चों, आज हमने हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार के योगदान को बहुत से उदाहरणों द्वारा जाना। अब जल्दी से इन प्रश्नों को देखते हैं। चलो बच्चों, अब वास्तविक उत्तर देखते हैं। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।